सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद पीवाई पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेटर मैच की, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। इस मैच का हम प्रीव्यू करेंगे। इस वीडियो में हमारा प्रीव्यू 7 सेगमेंट्स में रहेगा। पहला सेगमेंट मैच इन्फो, दूसरा हेड टू हेड रिकॉर्ड, तीसरा सेगमेंट प्लेइंग 11 या फिर प्रोबेबल प्लेइंग 11, चौथा सेगमेंट प्लेयर्स बैटल, पांचवा सेगमेंट नंबर्स गेम, छठा सेगमेंट ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन और सातवां सेगमेंट रहेगा हमारा मैच प्रेडिक्शन। तो प्रीव्यू को स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट के साथ, दैट इज मैच इन्फो। तो मैच है आज एलिमिनेटर मैच, जो कि खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। यहां पे जो टीम हारी वो आईपीएल से सीधा पार होगी। टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। अब बात करते हैं एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल की शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल रहा है अभी तक सिर्फ 138, जो कि काफी कम है लास्ट ईयर के आईपीएल के कंपेरिजन में। और आई थिंक क्योंकि पिचेस काफी स्लोअर साइड में रहे, पिछले साल काफी फ्लैट पिचेस थी जहाँ पे काफी बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिले थे आईपीएल के अंदर, लेकिन इस साल शारजाह में पिच काफी ज्यादा स्पिनर्स को हेल्प कर रही है और इसी वजह से काफी लो स्कोरिंग गेम्स देखने को मिले हमें शारजाह। अब बात करते हैं लास्ट 5 गेम्स की, तो लास्ट 5 गेम्स में 3 बार चेसिंग करने वाली टीम जीती है और 2 बार बाद में पहले खेलने वाली टीम जीती है। अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो अभी तक 28 मैचेस खेले गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, जिसमें से 13 मैचेस जीते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने और 15 मैचेस जीते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हल्का सा फेवर कर रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि 2 मैचेस उन्होंने ज्यादा जीते हैं आरसीबी से, बट आई थिंक अभी दोनों टीमें काफी अच्छी फॉर्म में हैं और अच्छी फॉर्म से दोनों टीमें आ रही हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा एलिमिनेटर मैच देखने को मिलेगा और दोनों टीमें नहीं चाहेंगी यहाँ पे आईपीएल से एलिमिनेट होना। तो आई थिंक एक और भी तगड़ा मुकाबला में आज देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो पहले बात करेंगे हम आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की और फिर बात करेंगे हम कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो पहले बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी आई थिंक अनचेंज जाएगी आज के प्लेइंग 11 की। जब बात करते हैं पिछले गेम से प्लेइंग 11 की जब बात करेंगे हम, तो आज आरसीबी अनचेंज जा सकती है, क्योंकि उनकी अगर कोई इंजरी कंसर्न रहता है तो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे आरसीबी में, वरना हमें बिल्कुल सेम टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी आरसीबी। आपको इस मैच में ओपन करते देखेंगे विराट कोहली और उनके साथ देवदत्त पद्दिकल, वन डाउन पे आपको देखेंगे के एस भरत, ब्रिटेन क्रिश्चियन, ब्रियन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, जॉर्ज गार्टन, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। अब चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की ओर। तो कोलकाता नाइट राइडर्स में आज हमें एक चेंज देखने को मिल सकता है, जो कि आंद्रे रसल अगर फिट होते हैं इस मैच के लिए तो वो हमें आज के मैच में खेलते हुए देखेंगे साकिब अल हसन की जगह, और बाकी उनकी सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनके प्लेयर्स की इस लेग के अंदर। तो ओपन करते हुए आपको देखेंगे केकेआर में सुमन गिल और उनके साथ वेंकटेश अय्यर, वन डाउन पे आपको नीतीश राणा, फिर राहुल त्रिपाठी, यॉन मॉर्गन कैप्टन, दिनेश कार्तिक, साकिब अल हसन या फिर आंद्रे रसल में से आपको एक ही बंदा दिखेगा, सुनील नारायण, लॉकी फर्गुसन, शिवम माबी और वरुण चक्रवर्ती। अब चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, दैट इज प्लेयर्स बैटल। तो पहली प्लेयर बैटल की हम बात करते हैं, तो पहली प्लेयर बैटल है विराट कोहली वर्सेस सुनील नारायण। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो अभी तक सिर्फ 99 रन बनाए विराट कोहली ने सुनील नारायण के सामने, 94 बॉल्स खेल के 105 का स्ट्राइक रेट है और 2 बार आउट किया नारायण ने। तो आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल बराबर का मैं कहूँगा रिकॉर्ड है, क्योंकि 99 रन जरूर बनाए विराट कोहली ने, बट आई थिंक 94 बॉल्स पे 99 रन है, तो सिर्फ 105 का स्ट्राइक रेट है, तो वो ये इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है किसी भी T20 गेम की जब आप बात करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है सुनील नारायण का विराट कोहली के सामने, विराट कोहली को बांध के रखते हैं, ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट से खेलने नहीं देते हैं और 2 बार आउट भी किया है। अब चलते हैं अपने दूसरी प्लेयर बैटल की ओर, तो दूसरी प्लेयर बैटल है दिनेश कार्तिक वर्सेस युजवेंद्र चहल। दिनेश कार्तिक ने 30 रन बनाए 33 बॉल्स खेल के, 90 का स्ट्राइक रेट और 3 बार आउट किया, तो यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से पलट रहा है युजवेंद्र चहल के पक्ष में। सिर्फ 30 रन बनाए हैं दिनेश कार्तिक ने 33 बॉल खेल के और 3 बार आउट किया, सिर्फ 90 का स्ट्राइक रेट है। तो आई थिंक ये पूरी तरीके से इस बैटल में युजवेंद्र चहल दिनेश कार्तिक पे भारी हैं, और दिनेश कार्तिक आज के मैच में अगर युजवेंद्र चहल को खेलते तो दिनेश कार्तिक अपने इन रिकॉर्ड्स को सुधारना चाहेंगे। अब चलते हैं अपने पांचवें सेगमेंट की ओर, दैट इज नंबर्स गेम। तो पहले बात करेंगे हम अपने पहले नंबर्स गेम की ओर, दैट इज एबी डिविलियर्स को लेकर। एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने बहुत ही ज्यादा खराब है इस साल के आईपीएल में। 21 रन बनाए 27 बॉल खेल के और 3 बार आउट किया है। तो आई थिंक अगर आंद्रे रसल फिट ना होते हैं
फिट नहीं होते तो बिल्कुल साकिब अल हसन आज बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं एबीटी बिलियर्स के लिए, क्योंकि इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने इस साल एबीटी बिलियर्स का। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर गेम की ओर। तो दूसरा नंबर गेम है आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच को लेकर। कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी का ये मैच में पहला मैच होगा जब दोनों टीमें प्ले ऑफ या नॉकआउट मैच में या फिर नॉकआउट स्टेज में पहली बार आईपीएल हिस्ट्री के अंदर भिड़ेंगी। अब चलते हैं अपने छठे सेगमेंट की ओर, दैट इज ड्रीम इलेवन टीम प्रेडिक्शन। तो अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं अभी आपको टीम बताने वाला हूं दैट इज माय इनिशियल टीम, और आप इस टीम के साथ ग्रैंड लीग्स में भी जा सकते हैं, और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाकर ज्वाइन करिए। तो मैं अभी आपको अपनी इनिशियल टीम बता देता हूँ। विकेट कीपर्स में मैंने लिया है के एस भरत को विद 8.5 क्रेडिट, बैटर्स में विराट कोहली विद 9.5 क्रेडिट बैट और राहुल त्रिपाठी विद 9 क्रेडिट और सुमन गिल विद 8.5 क्रेडिट। तो मेरे चार टॉप ऑर्डर से हो गए हैं विकेट कीपर्स और बैटर्स में के एस भरत, विराट कोहली, राहुल त्रिपाठी, सुमन गिल। टॉकिंग अबाउट ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर्स की बात करते हैं सुनील नारायण, ग्लेन मैक्सवेल और वेंकटेश अय्यर को लिया है मैंने। बॉलर्स की बात करते हैं तो बॉलर्स में मैंने लिया है वीजी चहल, हर्षल पटेल, लॉकी फर्गुसन और शिवम माली को। मैं वापस फिर से अपनी एक बार टीम रिपीट कर देता हूँ, के एस भरत, विराट कोहली, राहुल त्रिपाठी, सुमन गिल, सुनील नारायण, ग्लेन मैक्सवेल, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, लॉकी फर्गुसन और शिवम माली। अब चलते हैं सातवें सेगमेंट की ओर, दैट इज मैच प्रेडिक्शन। तो इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स टू विन दिस मैच। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।